الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي رواية وقال معاذ رضي الله تعالى عنه إني أحبك يا رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میری محترمہ دینی مائیں اور بہنیں اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بات کہنے کا موقع عنایت فرمایا اور چونکہ شکر کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی کا وعدہ ہے لیکن شکر حقیقت میں شکر ہو اور یہ ایسی زبردست نعمت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے چنانچہ جو روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی گئی بہت اہمیت والی روایت ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے حدیث میں مسلسلات اور ہمارے مدارس میں آخری سال میں سب مدرسوں میں نہیں کچھ مدرسوں میں اس کو بعض اساتذہ اپنے اعتبار سے پڑھاتے ہیں مدرسے کے اعتبار سے داخل درس نہیں ہے اس کی اہمیت ہے اس میں امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے اولاً تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں واللہ انی لأحبک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو مرتبہ ارشاد فرمایا ہے ایک تو قسم کھا کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ قسم خدا کی مجھے تم سے محبت ہے قسم خدا کی مجھے تم سے
यकीनी तौर पर मोहब्बत है। इससे हजरत मुआद इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम भी समझ में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा करके यकीनी और ताकीदी तौर पर हजरत मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का फरमान फरमा रहे हैं। ये हजरत मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हु की शराफत और फजीलत है। उसके जवाब में हजरत मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे भी आपसे मोहब्बत है। और रिवायत में है, ये भी आदाब में से है मिश्कात शरीफ में, कि जिस किसी को जिससे मोहब्बत हो उससे मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए ताकि उस मोहब्बत के इजहार में एक दूसरे के हुकूक की अदायगी आसान हो। जैसे यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हजरत मुआज़ रदी अल्लाह ताला उन्होंने भी जवाबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कौल किया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक वसीयत की। वसीयत वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमर, हर बात आप अलैहिस्सलाम की उम्मत के हक में अहमियत लिए हुए हैं, लेकिन जब वसीयत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। वसीयत का माना होता है किसी चीज का बहुत एहतमाम से हुक्म करना, और सामने वाला भी समझता है कि इस हुक्म को मुझे पूरा करना है। जैसे दुनिया में मरने वाला मरने से पहले वसीयत करता है, मरने के वक्त वसीयत करता है, और पीछे वाले उसके बाद उसके पूरा करने को अपने लिए बहुत अहम समझते हैं। ये भी समझ लेना चाहिए कि हर वसीयत पूरी करने की नहीं होती है, चाहे मरने वाले ने वसीयत की हो तो भी शरीयत के दायरे में जो वसीयत आएगी वो वसीयत पूरी की जा सकती है, लेकिन शरीयत के दायरे से अगर बाहर है तो फिर वो वसीयत के पूरे करने के मुताल्लिक वक्त के एतबार से मुफ्तिया ने किराम से पूछ लेना चाहिए। गर्ज एक अहम चीज है। यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, इन्नी लौसीक, मैं तुम्हें यकीनी तौर पर वसीयत करता हूँ, गोया के ताकीदी हुक्म करता हूँ कि हर नमाज के बाद तुम ये कहना मत छोड़ना, ला तदअन्न फी दुबुर कुल सलात। हर नमाज, चाहे फर्ज नमाज पढ़े, चाहे सुन्नत मुअक्कदा पढ़े, चाहे सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़े, चाहे नफल पढ़े, हर नमाज का लफ्ज है ला तदअन्न फी दुबुर कुल सलात। और वो दुआ ये है, आप में से भी बहुत सारी हमारी माँ बहनें पढ़ती होंगी, हम लोग भी पढ़ते हैं, अल्लाह इसकी हकीकत हम सबको नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। तीन चीजें हैं, एक तो कि अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी जिक्र पर, तेरी याद पर, तेरे शुक्र पर मेरी मदद फरमा,
और तेरी इबादत के हुस्न के ऊपर मेरी मदद फरमा। ये तीनों चीजें ऐसी अहम हैं कि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर, अल्लाह ताला की मदद के बगैर ये हासिल नहीं हो सकती है। और उसकी अहमियत के पेश नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मदद मांगने का हुक्म दिया है, जिसमें से एक शुक्र भी है। खैर, ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़नी है। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा तेरे जिक्र पर, तेरे शुक्र पर और तेरी हुस्ने इबादत पर। रिवायत यहां पूरी होती है, लेकिन हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने आगे बयान फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा फरमा करके इनको हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शागिर्द को यही कहा कि इन्नी उहिब्बुक फकुल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम भी कहो। और ये सिलसिला हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत माज रदी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत माज रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनके शागिर्द, फिर वो चला 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 यहां तक के हम तक भी ये सिलसिला पहुंचा हुआ है कि हर उस्ताद ने जब अपने शागिर्दों को ये रिवायत सुनाई तो अगर एक शागिर्द होता तो कहते फकुल इन्नी उहिब्बुक फकुल, और अगर एक से ज्यादा शागिर्द होते तो ये कहते उस्ताद इन्नी उहिब्बुकुम फकुलू, कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम भी ये कहा करो हर नमाज के बाद। मुझे अर्ज ये करना है कि शुक्र आज की मजलिस में चूंकि अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई उसके दीन की बात कहने की, ये अल्लाह ताला की जबरदस्त नेमत है, उसके ऊपर शुक्र अदा किया जाए, और जितना शुक्र अदा किया जाए इतना कम है। लेकिन चूंकि नेमतों को भी समझना है और नेमतों के ऊपर शुक्र की हकीकत को भी समझना है और शुक्र के ऊपर अल्लाह ताला के क्या वादे हैं और अल्लाह ताला ने शुक्र की बुनियाद पर क्या क्या चीजें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है उसको भी समझना है। हमारे जहन में नेमतें बहुत कम है कि जो हकीकत को समझ पाए हो, दुनिया की चीजें मिल जाए और वो हमारे मन के मुआफिक हो तो इसको हम नेमत समझते हैं। यकीनन ये नेमत है, चाहे वो नेमत खूबसूरती के एतबार से हो, चाहे वो नेमत माल के एतबार से हो, चाहे नेमत सेहत के एतबार से हो, चाहे नेमत औलाद के एतबार से हो, चाहे नेमत और किसी शक्ल के एतबार से हो कि जो हमको हमारे मन के मुआफिक, हमारी चाहत के मुआफिक मिल गई और उसका ताल्लुक अपने जिस्म से है, अपने मुताल्लिक से है और उसका ताल्लुक दुनिया से है, यकीनन ये नेमत है। और अल्लाह ताला की नेमतें ऐसी हैं कि अनगिनत है। आज गिनने के नए नए तरीके ईजाद हुए हैं जो पहले जमाने में नहीं थे। लाख को एक पेटी में समो दिया गया है, करोड़ को एक खोखे में समो दिया गया है। एक खोखा बोल दो, करोड़ समझ में आ जाएगा। पहले ये तरीका नहीं था, एक पेटी बोल दो, एक लाख समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से साइंसी इजादात के मुताबिक तरह तरह के आलात और मशीनें गिनने की ईजाद में आई है, लेकिन इसके बावजूद
दुनिया की नेमतें अगर कोई गिनना चाहे तो उसके लिए गिनना मुश्किल है, इसलिए कि कुरान का वादा है और चैलेंज है, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नियामतों को गिनना चाहो तो तुम उसको गिन नहीं सकते हो। दुनिया की नियामतों को छोड़िए मेरी मोहतरमा दीनी माएं और बहनें, सिर्फ हम अपने जिस्म के अंदर की नियामतें जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है उसको गिनना चाहे, मैं समझता हूं कि मुश्किल है। आंख के अंदर अल्लाह ताला ने कितने कैमरेज रखे हुए हैं, साइंस बताता है लेकिन हकीकत, साइंस अपनी तहकीक के मुताबिक बताता है लेकिन हकीकत तक रसाई किसी की नहीं हुई। कान के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने कितने माइक्रोफोन रखे हुए हैं, साइंस अपने एतबार से बताती है लेकिन हकीकत तक रसाई किसी की नहीं। नाक के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने सूंघने के लिए कितने जर्रात पैदा फरमाए हैं, कितने मसामात पैदा फरमाए हैं। जुबान के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने चखने के लिए कितने शौबे पैदा फरमाए हैं और इन शौबों में कितने जर्रात हैं, वो भी साइंस इसके गिनने से माजूर है। दिमाग के अंदर क्या है और जिस्म के दीगर आज़ा के अंदर क्या क्या हैं, साइंस अपने एतबार से बताती है लेकिन फिर भी ये उसकी तहकीक है जो नाकिस है। अल्लाह तबारक ताला की नेमतों को कोई अपने जिस्म के एतबार से गिनना चाहे तो भी ये जिस्म के मसामात जो छिद्र कहते हैं हम, वो मसामात कितने हैं वो भी मुश्किल है। तो अगर हम अपने जिस्मों के एतबार से अल्लाह ताला की नियामतों को समझना चाहे तो जब मुश्किल है तो फिर दुनिया की नियामतें, और अल्लाह ताला जजाए खैर दे मुफस्सिरीन को पूरी उम्मत की तरफ से कि इन्होंने एक दूसरा मतलब भी आयत करीमा का बताया है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा का, कि अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं वो सब नेमतें इंसान एक साथ इस्तेमाल करना चाहे नहीं कर सकता। इसको हम अपने खुद जिस्म के एतबार से ले ले, हाथ को, पैर को, नाक को, कान को, मुंह को, आंख को, सबको एक साथ कोई इस्तेमाल कर सकता है कि हाथ से भी लिखता हो ना, पैर से भी कुछ काम करता हो ना, कुछ कर रहा हो, सारी नेमतें एक साथ इस्तेमाल में आती हो, ऐसा मुश्किल है। और अंदरूनी जो नेमतें हैं वो तो जाहिर बात है कि सारी नेमतें एक साथ इस्तेमाल में नहीं आ सकती है। कभी दाहिना हाथ इस्तेमाल में आता है, बायां हाथ रुका हुआ है, कभी बायां हाथ इस्तेमाल में है, दाहिना हाथ रुका हुआ है, इस तरह इस पर कयास किया जा सकता है। और दुनियावी नेमतों में कि कभी गर्मी का लिबास है वो ठंडी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठंडी का लिबास है गर्मी में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हीटर गर्मी में इस्तेमाल नहीं करेंगे और एसी ठंडी में इस्तेमाल नहीं होगा। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये अल्लाह ताला की नेमतें सारी के सारी बैक वक्त इंसान इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर सकता, ये भी है और ये भी बिल्कुल सही है। तो मेरी मोहतरमा दीनी माए और बहने, हमने नेमत को समझ लिया है कि हमें अपने मन के मुआफिक मिल जाए तो ये अल्लाह की नेमत है, और हम अपने दिल से और जुबान से अल्लाह की तारीफ बयान करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कभार अपनी चाहत के मुआफिक न मिलना ये भी नेमत साबित होती है। इंसान तंदुरुस्ती चाहता है लेकिन अल्लाह तबारक तआला उसे बीमार रखते हैं,
और ये अल्लाह की मसलहत है, वो दुआएं मांगता है कि अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा, ऐ अल्लाह आफियत अता फरमा, दवा में आफियत अता फरमा, तमाम आफियत अता फरमा, शुक्र अल आफियत अता फरमा, मुआफात दाइमा नसीब फरमा, दुआएं मांगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीमार ही बीमार रहता है। तंदुरुस्ती बजाहिर दुआ मांगने के बावजूद भी नहीं मिल रही है, जाहिर बात है कि ये उसके चाहत के मुआफिक नहीं है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। इसलिए कि अल्लाह जानते हैं कि इसको सेहत की नेमत से नवाजा जाएगा तो ये उसके दीन के लिए मुजीर होगा, ये इतराएगा, ये तकब्बुर करेगा, ये लोगों के ऊपर जुल्म करेगा सेहत की नेमत का गलत इस्तेमाल करके, अल्लाह ताला उसे बीमार रख करके इतराहट से, तकब्बुर से, जुल्म से, गजब से महफूज रखना चाहते हैं, तो ये बीमारी भी उसके लिए नेमत साबित है। एक आदमी है, अल्लाह ताला ने कभी भी उसको बीमारी तक का एहसास नहीं होने दिया, कहते हैं ना कि इसके नाखून में भी कोई बीमारी नहीं है, होते हैं अल्लाह के बहुत सारे बंदे हैं जिनके ऊपर रश्क आता है कि इनकी तंदुरुस्ती के ऊपर रश्क आता है, इनके कामकाज को देख करके रश्क आता है, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इसको अगर बीमारी में मुब्तला कर दिया जाएगा तो ये बेसब्रा बन जाएगा, जिसकी वजह से उसकी दुनिया भी जाये होगी बेसब्री के नतीजे में, और उसका दीन भी जाये होगा बेसब्री के नतीजे में, और अल्लाह के यहाँ वो अपने मकबूल बंदों में शामिल न हो पाएगा, अपने मकबूल बंदियों में शामिल न हो पाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक ताला उसे सेहतमंदी के साथ ही बराबर लगाए रखते हैं, ये उसके लिए नेमत है, वो अल्लाह जानते हैं। तो मुझे बताना ये है कि न चाहने के बावजूद, अगर अपनी चाहत के बावजूद नहीं मिल रहा है, ये भी इंसान के हक में बसा नेमत साबित होती है। इसको समझना है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे जिस हाल में रखे ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह की नेमत है, उस हाल में मेरे लिए मुनासिब यही है कि मुझे इसी हाल में रखा जाए, उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे उसको नेमत समझ करके। और मेरी मोहतरमा दीनी माएं और बहनें, आगे चल करके मुआफिक मुआशरा का मिलना, अच्छी बस्ती का मिलना, अच्छा माहौल मिलना, दीनदारी का माहौल मिलना, ये ऐसी जबरदस्त नेमतें हैं कि इन नेमतों का हमें एहसास नहीं। मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक ताला ने कौम सबा का हाल जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने कौम सबा को बहुत सरशार रखा था, बहुत आबाद रखा था, किसी एतबार से कोई तंगी उनके यहां नहीं थी, रास्ते के दोनों तरफा बागात थे, हरियाली थी, जमीन के नीचे पानी के चश्मे जारी थे, मीठे पानी के चश्मे थे, पानी की कोई कमी नहीं, फलों की कोई कमी नहीं, आमदनी की कोई कमी नहीं, और फिजा भी ऐसी बहुत बेहतरीन फिजा बस्ती की, बल्दतुन तय्यिबतुन, कुरान ने नकल किया है कि ऐसी बस्ती उन्हें मयसर हुई थी कि जो बिल्कुल तय्यिब थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस बस्ती में रोग नाम की कोई चीज नहीं थी, मच्छर, पिस्सू, खटमल, इसी तरीके से जरासीम, बैक्टीरिया जो रोग को पैदा करने वाले हैं, जो बीमारियों के असबाब बनने वाले हैं, इन असबाब, ये सारे के सारे जरासीम इनकी बस्ती में बिल्कुल नहीं थे, बल्दतुन तय्यिबतुन, बिल्कुल पाकीज़ा बस्ती थी, अमनो अमान वाली बस्ती थी, चैन सुकून वाली बस्ती थी, और ऐसी बस्ती थी कि कोई उन्हें तंगी का किसी भी तरह कोई एहसास होने नहीं दिया जा रहा था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनके यहाँ बस्ती का यह आलम था, दोनों तरफा बागात का यह आलम था कि अगर कोई उनके बागात में टोकरा सर पर लेकर के चला जाता, उस टोकरे के भरने के लिए उसको फलों को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, यूं ही गुजरता जाता था और फल का टोकरा, वो टोकरा फलों से भर भर करके पूरा सैराब हुआ जाता था। ये अल्लाह ताला की नेमत थी। लकद कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया,
قوم سبا کے لیے ان کے سکون والی جگہوں میں سکون, باری تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ گھروں میں سکون تھا, ان کے گھر جو سکون گھر وہ گھر کہ جس میں سکون ہو وہ گھر کہلانے جائے کہلائے جانے کے لائق ہے, وہ گھر جس میں سکون نہ ہو اطمینان نہ ہو وہ گھر گھر کہلانے لائے جانے کہلانے جائے کہلانے کے لائق نہیں ہے. چاہے گرمی سے بچاؤ ہو چاہے ٹھنڈی سے بچاؤ ہو چاہے بارش سے بچاؤ ہو جائے لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہے, اطمینان قلب نام کی چیز نہیں ہے, وہ گھر گھر نہیں ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے یہاں پر گھر کے لیے مسکن کا لفظ استعمال کیا کہ سکون کی جگہیں تھی, اس میں اللہ تعالیٰ کی زبردست نشانی تھی. داہنے باغات تھے بائیں باغات تھے, دونوں طرفہ باغات کا سلسلہ ایسا تھا کہ ایک بستی سے دوسری بستی میں جانے کے لیے کوئی فاصلہ نہیں تھا کہ بیچ میں ویرانہ آ جائے, بیچ میں جنگلات آ جائے, بیچ میں اجاڑ بستی آ جائے, بیچ میں ایسا کہ جہاں کوئی گھر نہ ہو جہاں کوئی بسنے والا نہ ہو. جیسے عموماً بہت سارے علاقوں میں کہ ایک بستی ختم ہوتی ہے دوسری بستی شروع ہوتی ہے, بیچ میں فاصلے ہوا کرتے ہیں جہاں بودوباش کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, جنگلات ہوتے ہیں, آبادیاں نہیں ہوتی, دور دور تک کھانے پینے کے کوئی نظم نہیں ہوتے. یہاں ایسا نہیں تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کے اعتبار سے فراغت کے ساتھ حکم دیا تھا, با فراغت ہو کر کے کھا سکتے ہو پی سکتے ہو, لیکن شکر کا حکم دیا تھا. لیکن جب ماحول اچھا ملتا ہے مستیاں سجتی ہے, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کے ماحول کا ہونا کتنی بڑی زبردست نعمت ہے. ہم سے پوچھو کہ جہاں ماحول نہیں ہوتے, جہاں کھچڑا ہوا کرتا ہے, جہاں ایک کمیونٹی نہیں ہوتی, جہاں ایک طرح کی تہذیب نہیں ہوتی, جہاں ایک طرح کی بودوباش نہیں ہوتی, وہاں کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کسی کی کیا تہذیب ہے, کسی کا کیا کلچر ہے, کسی کی کیا ثقافت ہے, کوئی کس طرح رہتا ہے, کوئی کس طرح کھاتا ہے, کوئی کس طرح پیتا ہے, اور ایک دوسرے کو کہہ نہیں سکتے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ پوری برادری ایک جگہ پر ہیں, ایک کلچر ہے, ایک تہذیب ہے, ایک عقیدے کے لوگ ہیں, ساروں کی سمجھ بوجھ ایک طرح کی ہے, لیکن نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے. اس قوم سبا کے لوگوں کو بھی نعمت کی قدر نہ ہوئی, انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ سفر کرتے ہیں, سفر میں ایک بستی سے دوسری بستی تک جانے کا کوئی مزہ نہیں آتا, مزہ تو تب آئے جب کوئی ویرانہ ہو, کوئی اجاڑ بستی ہو, درمیان میں فاصلہ ہو. یہ تو ہریالی میں سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, سفر کی صعوبت اور پریشانی اور تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیم کا عذاب بھیجا اور اس ڈیم نے یعنی ڈیم پھٹا, پانی سارا بہ گیا, جس نے ساری بستی کو اجاڑ کر کے رکھ دیا. اب جو دو طرفہ باغات تھے وہاں دونوں طرفہ کانٹے دار درخت ہو گئے. وبدلناہم جنتین فاردو فار صلی اللہ علیہ سیل العالم وبدلناہم بجنتین جنتین ذواتی اکل خمس واصل من شیء سدر وسدر من قلیل, یعنی کانٹے دار درخت ہو گئے سارے کے سارے. میری محترمہ دینی مائیں اور بہنیں, مجھے سمجھانا یہ ہے کہ اچھا ماحول کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کی جائے گی, اللہ اس ماحول کو اور ایسا واضح کر دیں گے, ایسا نورانی بنا دیں گے, ایسی برکت والا ماحول نصیب فرمائیں گے کہ آنکھوں کو سرور ہوگا,
दिलों को चैन और इत्मीनान नसीब होगा, आंखें ठंडी होगी और हमारा पूरा मुआशरा जन्नत वाला मुआशरा लगेगा। फिर रोने के दिन नहीं आएंगे। लेकिन शुक्रगुजारी ये भी नेमत है, वही मैं समझा रहा हूं कि नेमत को हमने सिर्फ अपने मन के मुआफिक मिल जाने को समझा है। मन के मुआफिक क्या चीजें हैं? अल्लाह जिस हाल में हमें रखे, मक्का मुअज्जमा में सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को साजगार माहौल न मिला। इन्होंने हिजरत की दरख्वास्त की, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हिजरत करने का हुक्म दिया, साजगार माहौल उनको पहुंचाया गया। साजगार माहौल की बुनियाद पर फिर वो मदीना मुनव्वरा मरकज इस्लाम बना, मरकज ईमान बना। पूरी दुनिया में जो इस्लामी चहल पहल नजर आ रही है वो मदीना मुनव्वरा पर इसका सिरा जाता है, इस वजह से कि वहां माहौल साजगार मिला। माहौल की साजगारी मदीना मुनव्वरा में मिली, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को दीन के सारे शोबों को जिंदा रखने का मौका मिला। इबादात के एतबार से, मामलात के एतबार से, मुआशरत के एतबार से, जिहाद के एतबार से, सारे उमूर मदीना मुनव्वरा में। इसीलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मक्की दौर में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम का जो हिस्सा नाजिल फरमाया है वो तौहीद पर मुश्तमिल है, रिसालत पर मुश्तमिल है, आखिरत के ऊपर मुश्तमिल है अक्सर हिस्सा। और मदीना मुनव्वरा की जिंदगी में माहौल की साजगारी में सारे अहकाम, मामलात के अहकाम मदीना मुनव्वरा में, मुआशरत के अहकाम मदीना मुनव्वरा में, अखलाकियात के सारे अहकाम मदीना मुनव्वरा में। गर्चे अखलाकियात की आयात मक्की दौर में भी नाजिल हुई है, चूंकि अखलाकियात से पेश आना कि सब्र मुश्किलात थी, वहां भी अखलाकियात का मुजाहरा, लेकिन मदीना मुनव्वरा में भी, मक्का मुअज्जमा में भी। लेकिन जिंदगी गुजारने के सारे तौर तरीक इबादात के एतबार से, मामलात मुआशरत और माशियात के एतबार से मदनी दौर में, और वहीं से फिर सारे इस्लाम को पानी मिला जहां से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। माहौल का साजगार होना ये इस्लामी सारे शोबों की बुनियादी चीज है। वहां से फिर सारे शोबे पनपते हैं, तरक्की पाते हैं, वहां से सिंचाई होती है माहौल के साजगार होने की बुनियाद पर। कुरान में अल्लाह तबारक ताला ने सूरह नहल में भी इसका तज़किरा फरमाया है। ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من आगे आते हैं, जिसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने एक शहर की मिसाल बयान फरमाई है कि जहां के लोग पूरे अमन अमान के साथ है, इत्मीनान के साथ है, रिस्क के एतबार से फरावानी है, किसी एतबार से उनको कोई तंगी नहीं है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुलू मिन रिस्क रब्बिकुम वश्कुरू ला, खाओ पियो लेकिन शुक्र अदा करो। लेकिन इन्होंने नाफरमानी की, रसूलों को झुठलाया, जिसके नतीजे में यह हुआ فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, अमन बदल गया खौफ से, अमनो अमान की फिजा थी लेकिन इन्होंने नाशुक्री की, अल्लाह ने खौफ को मुसल्लत कर दिया। इत्मीनान से रिस्क अल्लाह तबारक ताला पहुंचा रहे थे, इत्मीनान से सहूलत के साथ, आफियत के साथ, इज्जतों के साथ, थोड़ी मेहनत के ऊपर बहुत सारा अल्लाह ताला दे रहे थे, लेकिन इसकी नाकदरी की, अल्लाह ताला ने भूख का अजाब इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, तो बतलाना यह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने इसको एक नेमत बताया है और इस नेमत की कदर यही है। मेरी मोहतरमा दीनी माएं और बहनें, के शुक्र ये ऐसा जबरदस्त वस्फ है। उलमा ने लिखा है
कि सालिक के मरातिब में सबसे आला मर्तबा शुक्र का है। अल्लाह की रजा ये भी दूसरे नंबर पर दर्जा है, सबसे आला दर्जा शुक्र है, इसलिए कि शुक्र के तहत में अल्लाह की रजा भी दाखिल है। शुक्र का वजूद अल्लाह की रजा के बगैर हो ही नहीं सकता है। ये शुक्र वो चीज है। दीनी नियामतें ये भी अल्लाह की जबरदस्त नियामतें हैं। ईमान है, इस्लाम है, आमाल है, दीनी माहौल है, दीनी फिजा है, दीन के मालूम करने के असबाब हैं, दीनी रहनुमाई करने वाले उलमाए हक्का हैं, ये सब अल्लाह की नियामतें हैं। सिर्फ दुनिया की नियामतों को नियामतें न समझा जाए। अल्लाह तबारक ताला ने इन दीनी नियामतों के ऊपर भी वक्त के जबरदस्त और जलीलुल कद्र नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दीनी नियामतों से नवाजा तो अल्लाह ने शुक्र गुजारी का भी हुक्म दिया। या मूसा इन्नी सफ़ैतुक अलन्नास बिरिसालाती व बिकलामी फखुज़ मा आतैतुक व कुम मिनश शाकिरीन। ऐ मूसा, मैंने तुमको मुंतखब किया अपनी रिसालत के लिए, तुम्हें रसूल बनाया, तुम्हें साहिबे किताब बनाया, तौरात जैसी जलील कद्र किताब तुम्हें दी और दुनिया में सबसे बड़ा शर्फ मैंने तुम्हें दिया कि मैंने तुमसे बातचीत की दुनिया में रहते हुए। ये शर्फ दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला ने किसी नबी से बात की हो तो सिर्फ और सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम है। वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। ये नेमत अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ, नबी और रसूल बनाए जाने का शर्फ, किताब के दिए जाने का शर्फ, ये दीनी नेमतें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है किताब तौरात के जरिए से, अहकामात दीनी उलूम, इसको मजबूती से थामे रखिए। वखुज़ मा आतैतुक, इसे पकड़िए और मजबूती से पकड़िए, ये हाथ से छूटने न पाए। मालूम हुआ कि दीनी नेमतों के मजबूती से थामने का हुक्म जैसे अल्लाह ताला ने वक्त के जलीलुल कद्र नबी को दिया है। अंबिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जितने भी आए हैं उनमें पांच नबी सबसे अहम मकाम रखते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अंबिया में पांच का मकाम अहम है, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे अहम है। तो पांच जो नबियों का निचोड़ है उन पांच में मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है। उस जलीलुल कद्र नबी को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं वखुज मा आतैतुक। मेरी मोहतरमा दीनी माएं और बहनें, दीनी जो नेमतें अल्लाह ने दी है उसको अपनी जिंदगियों में मजबूती से थामने का हुक्म जब वक्त के जलीलुल कद्र नबी को दिया और कुरान में अल्लाह ताला ने उसको जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए भी ये हुक्म है। दीनी नेमतें उसको मजबूती से थाम ली जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जिसमें भी दो खसलतें हों, जिसमें भी दो खसलतें हों, कतबहु अल्लाह ताला शाकिरन साबिरन, अल्लाह ताला उन दो खसलतों के दो खसलतों वाले को शाकिर और साबिर लिखते हैं। और शाकिर और साबिर लिखने का मतलब शाकिर के लिए जो सवाब है, साबिर के लिए जो सवाब है, वो अल्लाह ताला इन दो खसलतों वालों को भी अता फरमाएंगे।
और जिसके अंदर ये दो खसलतें ना हो, लम यक्तुब हिल्लाहु शाकिरन व साबिरन, अल्लाह ताला उसको शाबिर भी नहीं लिखते और शाकिर भी नहीं लिखते हैं। कौन सी दो खसलतें? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि एक वो शख्स कि जो आदमी मन नजर फी दीनी ही इला मन हुआ फौकहू, वो मर्द हो, औरत हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, जवान हो, मर्द जवान औरत हो, जो भी हो, दीनी मामले में अपने से ऊपर वाले को देखे, दीनी मामले में अपने से ऊपर वाले को देखे कि वो रोज इशराक भी पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, चाश्त भी पढ़ती है, अवाबीन भी पढ़ती है, तालीम के हलकों में भी जा रही है, सारी सुन्नतों को वो अपने अंदर अपनाए हुए हैं, अपने घर में अपने बच्चों के बारे में अपनाए हुए हैं, अपने घर में अपने शौहर के बारे में अपनाए हुए हैं। सुन्नत का दिल दादा घर है। मन नजर फी दीनिही इला मन हुआ फौकहू फक्तदा बिही, अपने से ऊपर वाले को देख करके उसकी इक्तिदा करे, उसकी पैरवी करे कि वो ऐसा कर रही है, मैं भी ऐसा करूं, उसने शरी पर्दा इख्तियार कर लिया है, मेरे लिए भी, वो भी हमारे मुआशरे की बहन है, वो भी हमारे मुआशरे की खातून है, वो भी हमारी जिंदगी हमारी उम्र वाली खातून है, जब वो एक शरी पर्दा कर सकती है और जॉइंट फैमिली में रह करके कर सकती है, फक्तदा भी उसकी इत्तबा कर ले। ये नहीं कि मुफ्ती साहब की बात तो ना था, मुफ्ती साहब कौन से आसमान पर से टपके हैं कि मुफ्ती साहब की बात ना था, ये कह करके अपने चौंसले पूरे करने हैं। वो बहन भी हमारे मुआशरे की है, वो बहन भी हमारे खानदान की है, वो बहन भी हमारी तहजीब और कल्चर वाली है, लेकिन वो कर रही है अपने बच्चों की तरबियत शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कर रही है, करना चाहती है, हमें उसकी इख्तिदा करना चाहिए। फक्तदा भी वमन नजर फी दुनियाहु इला मा हुवा दूनहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खसलत तो ये हुई कि दीनी उमूर में अपने से आला कैटेगरी को देखे और उसकी इत्तबा को लाजिम पकड़ ले, और दुनियावी उमूर में अपने से कम तर को देखे, फहमिद अल्लाह अला मा हुवा फज़ल बिही अलैह, दुनियावी उमूर में कम तर को देख करके कि मेरा अच्छा घर है, मेरे घर में ये सारी सहूलतें हैं, उसके यहां तो ये सहूलतें नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे यहां तो मेरे शोहर की आमदनी इतनी है और मुझे अच्छा रख रहा है, उसके यहां तो ये नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। फहमिद अल्लाह अला मा बिही अलैह, अला मा फज़ल बिही अलैह, अल्लाह ने जिन चीजों में उसको बरतर रखा है, उसको फौकियत दी है, उस पर वो अल्लाह की हमद बयान करे। ये दो खसलतें हों तो अल्लाह शाकिर और साबिर की फहरिस्त में इसे दाखिल करके सब्र करने वाले का जो अज्र है, इन्नमा युवफ़ साबिरून अज्रहुम बगैर हिसाब, के सब्र करने वाले को अल्लाह की तरफ से बेहिसाब अज्र है, और शुक्र करने वाले को भी अल्लाह तबारक ताला की तरफ से क्या नियामतें हैं वो आ रही है। और जिनमें ये दो खसलतें ना हो, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीनी उमूर में अपने से कमतर को देखे, दीनी उमूर में, तो इस सूरत में आदमी के अंदर खुद पसंदी आएगी, रुझबा आएगा, तकब्बुर भी आ सकता है और कनात दीनी मामले में आ सकती है कि वो तो पांच वक्त की नमाज पढ़ती है,
मैं तो हल्के में भी जाती हूँ, वो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मैं तो सुबह शाम की तस्बीह भी पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत भी करती हूँ, फुला फुला मौलाना के बयानात भी सुनती हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर ने, फेसबुक के ऊपर ने, यूट्यूब के ऊपर, और फिर उसको सुन करके अमल भी करती हूँ। वो तो कुछ नहीं करती है। ये एक वस्फ ये कि दीनी उमूर में अपने से कमतर को देखे और फिर अपने को अच्छा समझे, और दुनियावी उमूर में अपने से बढ़कर को देखे। वमन नजर इला दुनिया इला मा हुआ फौकहु, कि उसके यहां गाड़ी है और मेरे शौहर के यहां तो एक्टिवा जो है, उसका फ्लैट है और मेरे तो फ्लैट भी नहीं है, उसका यूं है ना मेरे यहां तो यूं भी नहीं है। दुनिया में अपने से आला को देखे, फासिफ मा फातहु अलैह, और जो नेमतें उसके पास नहीं है उसके ऊपर अफसोस करे। आज हमारा मामला कहने वाला भी मोहताज है। अल्लाह माफ फरमाए, दुनिया के एतबार से हम अपने से आला को देखते हैं और दीन के एतबार से हम अपने से कम तो कम को देखते हैं, और दीनी मामले में कनात पसंद है और दुनियावी उमूर में हम हरीस और लालची हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे नजर लम यक्तुबहुल्लाहु शाकिरन वला साबिरा, अल्लाह ताला इसे शाकिर और साबिर नहीं लिखते हैं, यानी शुक्र करने वाले का सवाब और सब्र करने वाले का सवाब उसे नहीं मिलेगा। सुनने की चीज है, सुन करके जिंदगियों में लेने की चीज है। हमारा पूरा मुआशरा इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन दीनी उमूर में अपने से कमतर को देख करके अपने को अच्छा समझना, और दुनियावी उमूर में उसके वहां ऐसा है तो अपने वहां ऐसा होना चाहिए। अल्लाह माफ फरमाए। मैं ये बता रहा था कि ये दीनी उमूर में अपने से बढ़कर को देखे और उसकी इब्तिदा करे, दीनी नेमतें नेमतें समझे अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने दीन की समझदारी दी है, ये दीन की नेमत है। अल्लाह ने माहौल दिया है, ये दीन की नेमत है। जहां नमाज पढ़ने भी नहीं मिलती है वहां हमारी बहनें गई हुई हैं, उनसे पूछिए। अब अलग बात है कि वहां के रंग में रंगा जाए और फिर इसका इजहार और इसका अफसोस भी न हो। अल्लाह माफ फरमाए, माफ फरमाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया फखुद मा आतैतुक, जो कुछ मैंने नेमत दी उसको लीजिए, पकड़िए और मजबूती से पकड़िए। वकुम मिन शाकिरी, गोया के अल्लाह की दीनी नेमतों को लेना, पकड़ना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये शुक्र का एक पहलू है। इसलिए कि इब्न कय्यिम अलैहिर्रहमान ने नकल किया है, शुक्र अला सलासत अनवा, शुक्र की 3 किस्में हैं। जुबान से शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह की तारीफ बयान करना, ये जुबानी शुक्र है। दिल से शुक्र, अश्शुक्र बिल कल्ब, दिल से शुक्र, मुनीमे हकीकी अल्लाह को समझना और उसी की तरफ से इस नेमत को समझना। अल्लाह ने सबब किसी को भी बनाया हो कि उसने ये चीज दी, उसने ये चीज दी, मेरे शौहर ने ला करके ये चीज दी, भाई ने ला करके ये चीज दी, मेरे फुलाने ने ला करके ये चीज दी, यकीनन उसका भी शुक्र अदा करना है। लेकिन हकीकी जात अल्लाह को समझे कि वही मौती है, वही इनाम देने वाली जात है, ये है शुक्र बिल कल्ब।
کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو اس نے لا دیا. اور شکر بالجوارح، اعضا سے شکر ادا کرنا، اپنی استطاعت کے بقدر اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا. ایک اور بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ شاکر مشکور کے سامنے، یعنی جس کی طرف سے نعمت ملی اس کو کہا جائے گا مشکور، اور جس کو نعمت ملی اس کو کہا جائے گا شاکر، شکر ادا کرنے والا. مشکور یعنی جس نے نعمت دی، اور اللہ نعمت دینے والے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے. خضوع الشاکر للمشکور، ایک. دوسرا، شکر ادا کرنے والا منعم نعمت دینے والے سے محبت کرے. تین، اس کی نعمتوں کا اقرار کرے کہ اسی نے نعمت دی ہے، اللہ ہی نعمت دینے والی ذات ہے، اور اس نعمت کے اوپر اللہ کی تعریف بیان کرے، اور ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. یہ پانچ چیزیں پائی جائے گی تو شکر کی حقیقت ہوگی، اور پانچ چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی یا کم ہوگی تو شکر کما حقہ ادا نہیں ہوگا. تو یہ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، عملی طور پر بھی شکر ادا کرنا ہے. زبان سے الحمدللہ کہہ لیا، دل سے اللہ کو نعمت دینے والا سمجھ لیا، لیکن زندگیوں میں عمل نہیں ہے تو اس صورت میں یہ شکر نہیں کہا جائے گا. خیر، الحمدللہ کہنے پر ثواب ملے گا، دل سے اللہ کو منعم سمجھنے پر ثواب ملے گا، لیکن اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی نامرضی میں استعمال کیا ہے، پکڑ ہوگی اور ضرور پکڑ ہوگی. اس لیے میری محترمہ دینی مائیں اور بہنیں، اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، دینی نعمتوں سے نوازا، اور یہ وہ نعمت ہے شکر کی. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بیان کیا ہے، مختلف اوصاف کو بیان فرمائے ہیں، اور سب سے آخری وصف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کرنے والا بیان کیا ہے. علماء نے لکھا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. کسی اور موقع پر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ خلیل افضل ہے یا حبیب افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے. حبیب اللہ افضل ہے خلیل اللہ کے مقابلے میں، دونوں میں فرق سمجھاؤں گا انشاءاللہ کسی موقع پر. لیکن یہاں لکھا ہے کہ ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، قانت ایک وصف، عبادت گزار، حنیف بالکل اعتدال پر، ہر معاملے میں اعتدال، ادھر ادھر نہیں، اعتقاد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، معاشیت میں، دینی امور میں، دنیاوی امور میں حنیفا. مشرک نہیں تھے، توحید کے پرستار تھے. یہ اوصاف شمار کرانے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزار تھے. اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا. تو شکر کی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خلت، یعنی اللہ کی دوستی کا بھی تمغہ، امتیاز اور سند اور خصوصی ایوارڈ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہیں شکر کی بنیاد پر. شاکر لانعمہ، اور شکر گزاری
جیسے بتایا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے موافق. آگے مراحل آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. خوشیوں کے مواقع میں آپے سے باہر نہ ہونا, خوشیوں کے مواقع میں شریعت کی پاسداری کا لحاظ رکھنا, خوشیوں کے مواقع میں اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھنا. اللہ نے نعمتیں دیے, نعمتیں لباس دیا, اس کا غلط استعمال نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی, اس کا غلط استعمال نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے صحت, اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دیے, اس کا غلط استعمال نہ ہو. اللہ نے مال دیا ہے, اس کا غلط استعمال نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سارا ماحول دیا ہے اور دینداری کا ماحول دیا ہے. اور سنو میری محترمہ دینی مائیں اور بہنیں, قدر کرو ان علماء کی جو یہاں رہ کر کے محنت کر رہے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس باغ کا مالی ہوتا ہے اور وہ مالی باغ کی قطر بیونت کرتا ہے, اس کو کاٹا, اس کو چھانٹا, اس کو یہاں سے سیدھا کیا, اس کو یہاں سے سیدھا کیا, تو باغ سرسبز اور شاداب رہتا ہے. اور جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو وہ باغ پھر باغ رہنے کے لائق اور اس کو باغ کہے جانے کے لائق نہیں ہوتا, وہ اجاڑ بن جاتا ہے, ویرانہ بن جاتا ہے اور ایسا جنگلی محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جانے کو بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ تو باغ نہیں ہے, وہ تو جنگل ہے. صحیح رہنمائی کرنے والے صحیح رہنمائی کرتے ہیں. یہ صحیح رہنمائی کرنے والوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور زبردست نعمت ہے. باغ کو باغ بنائے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے. نصیحت مت کر نصیحت, دل میرا گھبرا ہے. ایک لمبے زمانے سے یہ علماء حقہ یہاں محنت کر رہے, نسلیں ان کی شاگردائے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. نسلوں کی نسلیں ان کے شاگرد ہیں لیکن کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ شاگرد اور شاگردہ کیسی جو اپنے استاد کی بات کو نہ مانے. وہ معلم کا فیض پھر کہاں سے پہنچے گا کہ جس معلم کی بات معلمہ, جس معلم کی بات متعلمہ یعنی شاگردہ نہ مانے, شاگرد نہ مانے, فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. العلم فی الصدور لا فی السطور. علم کا تعلق دلوں سے ہے, علم کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے. کتابیں پڑھ لی, قرآن پڑھ لیا, بہشتی زیور پڑھ لی, اردو لکھنا پڑھنا آ گیا اور ہم مدرسے سے نکل گئی, فارغہ ہو گئی, ہم فارغ ہو گئے, یہ نہیں ہے حقیقی علم. اس کا تعلق دل سے ہے. فیض کو پانے کے لیے دل کو دل سے جوڑنا پڑتا ہے اور وہ ایسے باریک تار ہیں کہ جو باریک تار کسی کو بھی نظر نہیں آتے. العلم نور ينتقل من قلب الى قلب آخر. علم ایک نور ہے جو ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہوتا ہے. پڑھ لینے سے علم نہیں آتا ہے, ان کے دلوں کو دکھانے سے فیض نہیں پہنچتا ہے. اس لیے میری محترمہ دینی مائیں اور بہنیں, فضا کو, ماحول کو سازگار جو بنا ہوا ہے اس کو رکھو, آگے نہ بڑھاؤ. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ مزید نوازیں گے, مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو بھی اللہ شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عالمی سطح پر اسے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنك السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, له الملک وله الحمد, یحیی ویمیت, بیدیہ الخیر وهو على كل شیء قدیر. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمده, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے احسان سے امت کو معاف فرما. اے اللہ امت کو نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ امت کو شاکر بنا. اے اللہ امت کو شکور بنا. اے اللہ امت کو شکور بنا. اے اللہ امت کو شکور بنا. اے اللہ نعمتیں مزید ملے, اے اللہ اس کا فیصلہ فرما. اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما. سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ امت کے احوال درست فرما. اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. امت کے قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما. امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ امت کو حلال پاکیزہ برکت والا رزق نصیب فرما. اے اللہ امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو اے اللہ ماحول کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ ایمان اور علمی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے اے اللہ جو ماحول ملا ہے وہ ماحول کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ امت کو اپنی خوشیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. امت کو غموں کے احوال بھی آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رسم و رواج سے ہماری اور پوری امت کی اور اس پورے معاشرے کی حفاظت فرما. اے اللہ سنت کے جذبات پیدا فرما, آسان فرما, مدد فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو, ہم سب کے سب متعلقین کو, ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی اور ہمارے سارے متعلقین کی اور قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.